करेंगे खबरों में आगे। सबसे पहले बड़ी खबर के बाद हम करेंगे रामानुजगंज से, ये बड़ी खबर है। करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं, ट्रक और कार में ये पैसे ले जाए जा रहे थे। पुलिस की हिरासत में तीन आरोपी हैं। रायगढ़ बैंक डकैती के बाद चेकिंग अभियान लगातार जारी है। चेकिंग अभियान के दौरान ये आरोपी पकड़े गए हैं। ट्रक और कार में पैसे ले जा रहे थे और उसी दौरान चेकिंग के दौरान ये लोग पकड़ाए गए। अब जो है कार्रवाई लगातार जारी है। रामानुजगंज से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें आपको, चेकिंग के दौरान पता चला, जब चेकिंग हो रही थी तब पता चला ट्रक और कार में ये पैसा ले जाया जा रहा था। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ जारी है कि आखिर ये इतना पैसा आया कहां से। ट्रक और कार में ये पैसा ले जाया जा रहा था, फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। चेकिंग के दौरान ये पैसा पकड़ाया गया। अब जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं रामानुजगंज की हम बात कर रहे हैं, जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। ट्रक और कार से पैसे ले जाए जा रहे थे। चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसी बीच चेकिंग के दौरान ये पैसा पकड़ाया गया। फिलहाल पूरे ही मामले में पूछताछ जारी है, जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर ये पैसा ले जाया कहाँ जा रहा था और कहाँ से इतना पैसा आया। इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो आरोपी भी पकड़ाए गए हैं, आरोपियों से भी पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर इतना पैसा कहां से आया और कहां पैसा ले जाया जा रहा था। रामानुजगंज की हम बात कर रहे हैं, जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। करोड़ों रुपए रामानुजगंज से बरामद किए गए हैं। ट्रक और कार से ये पैसा ले जाया जा रहा था और चेकिंग के दौरान ये पैसा पकड़ाया गया है। गिरफ्तारी भी हुई है कुछ लोगों की और पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ जारी है। रामानुजगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें चेकिंग अभियान यहां पर लगातार जारी है और चेकिंग अभियान के दौरान जो है बड़ी संख्या में पैसा बरामद किया गया है, करोड़ों रुपए बरामद किया गया है। हालांकि ये पैसा कहां से आ रहा था, कहां ले जाया जा रहा था, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है, गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ अभी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए ऋतु, ऐसे बड़ी सफलता पुलिस की कही जा सकती है। कल जैसे ही लगभग 7 करोड़ रुपए की डकैती एक्सिस बैंक में हुई, उसके बाद सरहदी सीमाओं को सील किया गया है और जैसे पहले भी अंदेशा था ऋतु कि जो इस तरह से जो बदमाश है वो उड़ीसा की ओर, झारखंड या फिर बिहार की जो सीमा है उसकी ओर भागने का प्रयास करेंगे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और सभी जगह चेक पोस्ट लगाए और ये रामानुजगंज में चेक पोस्ट में एक संदिग्ध ट्रक की जांच की जा रही थी। लंबी कतारें लगी थी, एक एक कर सभी वाहनों की जांच की जा रही थी तो उसमें बैग बोरे में भरे हुए भारी मात्रा में ये रकम है वो बरामद हुआ है। हालांकि अभी रामानुजगंज पुलिस है या
या फिर रायपुर पुलिस है, ये नहीं कह रही है कि ये बैंक की डकैती का ही पैसा है। तीन लोगों को वहां पर डिटेन किया गया है, डिटेन करने के बाद पूछताछ की जा रही है और एक जो ट्रक के आगे आगे जिस ट्रक में पैसा रखा था, रकम रखा था, मोटी रकम, उस ट्रक के आगे आगे एक क्रेटा कार भी चल रही थी। जब पुलिस जांच के लिए रुकवाई तो उसमें से कुछ लोग हैं वो फरार हो गए हैं, लेकिन तीन लोगों को रामानुजगंज पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है। गहन चेकिंग जो की जा रही थी उसके बाद ये बरामद हुआ है और बिहार की सीमा से लगा हुआ छत्तीसगढ़ की सीमा है और एक तरफ उड़ीसा की सीमा है तो दूसरी ओर जो झारखंड की सीमा जसपुर की ओर लगता है। तो अंदेशा पहले भी था कि घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है इन्हीं मार्गों को चुनते हैं और वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता है। चुनावी दौर भी है तो देखने होगा कि अभी पुलिस के पूछताछ में किस तरह के ये खुलासे हो पाते हैं। पुलिस अभी गहनता से पूछताछ कर रही है कि चुनावी साल है और प्रशासन की सक्रियता पूरी तरह से दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में प्रशासन और ज्यादा सक्रिय होगा, ऐसी कार्रवाइयां बहुत देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है, इस तरह से पैसे का दुरुपयोग चुनाव में ना हो वो एक प्रमुख मुद्दा रहता है, तो उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी भी रायपुर में और कई जगहों पर पैसे की बरामदगी हुई है, लेकिन अभी जो एक्सिस बैंक में जो डकैती हुई है तो अंदेशा यही है कि कल जो आईजी है वो भी बयान में उन्होंने बताया था कि 10 से 12 बैगों में भर करके जो बैग ले गए थे पैसे को, तो उतने सारे बैग यहाँ पर बरामद हुए हैं। तो अंदेशा यही है कि ये हो सकता है कि एक्सिस बैंक का पैसा हो, लेकिन एक बड़ा रकम जो रामानुजगंज पुलिस ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बरामद किया है, अभी पूछताछ जारी है और तीन आरोपियों को डिटेन किया गया है, वहां पर पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया है और एक बड़ी डकैती थी। जैसे ही डकैती की जानकारी लगभग 10 बजे रायगढ़ पुलिस को मिली, पूरी चारों तरफ की सीमाओं को सील किया गया और सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पर कई तरह के बैंक प्रबंधन की जो गलती है, लापरवाही है, वो भी सामने आई थी। सीसीटीवी जो फुटेज था वो खराब था। इसके अलावा हथियार बंद। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी समेत तमाम पार्टियां सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार बैंक डकैती हो जाती है और वो भी ऐतिहासिक बैंक डकैती, जिसमें रायगढ़ जिले में एक्सिस बैंक से 5.62 करोड़ से ज्यादा रुपए डकैती हो जाती है। तो वहीं सुरक्षा के तमाम इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और पुलिस प्रशासन की चौकसी के बीच डकैत न सिर्फ दिन दहाड़े बैंक लूटते हैं बल्कि बैंक मैनेजर को चाकू मार देते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ डकैत बैंक में घुसते हैं और सबसे पहले बैंक के भीतर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लगते हैं, बैंक मैनेजर की जांघ में चाकू मारते हैं और लगभग 6 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब थे, जिसकी जानकारी लुटेरों को पहले से थी। अब आती है पुलिस की बारी, पुलिस कैमरे के सामने आती है और बताती है कि लूट कैसे हुई और वो लुटेरों को पकड़ने के लिए क्या क्या कर रही है। दो अलग अलग कैशियर जिनके पास अलग अलग चाबियां होती हैं, तो एक कैशियर पहले आ गया था और तब तक आरोपी भी अंदर आ गए थे, दूसरे कैशियर को पता नहीं चला, वो आ गया तो दोनों से चाबियां ली, लॉकर खोला है इन्होंने और टोटल अभी बैंक मैचिंग चल रहा है कितनी रकम ले गए हैं, और 10-11 बैग्स में रकम लेकर के गए हैं और लगभग 4.19 करोड़ रुपये का कैश है और कुछ ज्वेलरीज हैं जो लगभग 78 पाउच जो लोग लोन लेने के लिए ज्वेलरी गिरवी रखवाते हैं वो वाली ज्वेलरियाँ हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू है, 2900 ग्राम की लगभग वो ज्वेलरी होगी टोटल, तो लगभग 1.43 करोड़ की वो, इस प्रकार लगभग 5.62 करोड़ रुपए अभी दोनों को अगर हम एज इट इज़ वैल्यू जोड़ें तो वो आ रही है, उतने की ये डकैती आप कह सकते हैं। और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, एक बाइक जो वो छोड़ के भागे हैं वो अभी पुलिस को जानकारी में आई है,
वो चोरी की बाइक है, तो उसके आधार पे पुलिस अभी सभी तरह नाकेबंदी कर रही है। रेंज से भी हम लोगों ने अपनी पूरी टीमें लगाई है और DIG साहब और SSP साहब यहीं पे कैंप कर रहे हैं और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि केस को सॉल्व कर लें। जशपुर से बड़ी खबर है, 12 घंटे में लूट की दूसरी वारदात हुई। रायगढ़ जिले में 12 घंटे में लूट की दूसरी बड़ी वारदात हुई। बता दें आपको, बथलगांव के दवा व्यवसायी के कर्मचारियों से लाखों रुपए की लूट हुई है। धर्मजयगढ़ के पास स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने लाखों की लूट की। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हवाई फायर भी किए। धर्मजयगढ़ थाने के भंडारी मुड़ा की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। 12 घंटे के अंदर लूट की दूसरी वारदात हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं प्रशासन की सक्रियता पर, चौकसी पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बदमाशों के अंदर, लुटेरों के अंदर बिल्कुल खौफ नहीं, एक के बाद एक वारदात होती है। 12 घंटे के अंदर ये दूसरी वारदात हुई है। जशपुर की हम बात कर रहे हैं, पथलगांव के दवा व्यवसायी के कर्मचारियों से लाखों रुपए की लूट होना बताई जा रही है। कार सवार लुटेरों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। बिलासपुर में जिला पंचायत कर्मचारी से 10 लाख की ठगी का यह मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ठगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने और उससे करोड़ों रुपए कमाने का पहले तो लालच दिया, फिर उससे 10 लाख रुपए निवेश के नाम पर लेकर चंपत हो गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ठगों की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, PSC भर्ती में भ्रष्टाचार का यह मामला है। ननकी राम कंवर की याचिका, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। बता दें अफसरों के बेटा बेटी रिश्तेदारों का यह चयन है। चयन को लेकर याचिका दायर की गई थी, अब मामले की जांच की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए, छत्तीसगढ़ में PSC में गड़बड़ी को लेकर BJP के जो पूर्व विधायक मंत्री रहे हैं ननकी राम कंवर, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और याचिका में उन्होंने कहा है कि अपात्रों को चयनित कर लिया गया है PSC में, जिसमें नेताओं और मंत्रियों और अधिकारियों के बेटे बेटी और रिश्तेदारों को शामिल किया गया। लिहाजा उन्होंने इसको लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। याचिका में ये भी कहा है उन्होंने कि राजभवन में जो सचिव है अमृत खलको के बेटे व बेटी को डिप्टी कलेक्टर बनाने पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। चेयरमैन जो है टॉमन सी सोनवानी के रिश्तेदारों को चयन में गलत तरीके से चयनित किया गया, तो इसी मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिस पर PSC को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आज इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस पे हाईकोर्ट देता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए उमेश। नए संसद में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल को कल ही सदन में पेश किया गया, ऐसे में सदन में आज गहमा गहमी रहेगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बिल को चर्चा के बाद आज ही पारित करा लिया जाएगा, परिसीमन के बाद ही ये कानून अमल में आएगा। इसके साथ ही पुराने संसद का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। नाम बदलने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी। बदना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिन पहले जंगल में मिले शिक्षिका का शव पुलिस ने इसमें खुलासा कर लिया है। शव पन्ना कटनी रोड पर रितुआ के जंगल में मिला। पुलिस ने बताया कि मृतिका मंडला जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। पुलिस को जांच में पता चला है कि मृतिका का गांव के युवक से प्रेम संबंध था, जिसने हत्या की साजिश रची थी।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।